ने अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिल फोरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजुहत है कि हमारा बायकॉट। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोगों का एक गिरोह ऐसा भी है जो खास तौर पर श्वेत लड़कियों को शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन कराते हुए उनके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा है। अंकल, मर्द अगर अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेगा, औरत की इज्जत करेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। I am. Every time I see, our politicians don't care. ये जो शब्द हैं इनको नोटिस कीजिए, रेप जिहाद। असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी या इंडियन है दूसरे मुल्क वो काम करते हैं। यानी कि हमने इंडिया में लव जिहाद सुना था, इंडिया में हमने लैंड जिहाद सुना था, एकदम से अब यहाँ पर रेप जिहाद आ चुका है लंदन के अंदर। हमें पाकिस्तान को तो वी हैव टू लुक बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया। अगर हम इसी तरह जिस अंदाज से हम लगे हुए हैं ना, ठीक है जी, पंजाबी के अंदर होली होली, ठीक है, तो हम नहीं पहुंच सकते जहां पे जिस तरह हमारी आबादी का चैलेंज है। ये असलियत में ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको अटैक, उनको किडनैप, उनको अपने उनको ग्रूम करते, ग्रूम करने का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते, रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते। और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते, यानी 12 13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरी को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जांपल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को उसके मांस को उसके माँ बाप को ही खिला दिया गया, इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग लगभग सभी 100% मुसलमान निकले, और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। यहां हो सकता है एक फोटो आप ऑड देख रहे हो, लेकिन ये असलियत में वो फोटो है जो इसने, इस बंदे ने अपने आप को छिपाने के लिए की, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बंदा भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। अब इसे आप दूसरे फॉर्म में देखें, यहां आपको जो मैंने तीसरी वीडियो दिखाई थी, अब प्रॉब्लम यहां पर यही है कि भाई ये लोग असलियत में कैसे पकड़े जा रहे, मतलब ये मामला क्या है, 12 13 साल की लड़की को ग्रूम। तो देखिए पाकिस्तानी मुस्लिम लोग हैं इनके झांसे में आ जाते हैं। हाल यहां तक बुरा है कि लंदन का जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ब्रिटेन का, वो भी बच्चों को ग्रूम करता हुआ पकड़ा गया, बच्चों को फंसा कर उनके सेक्स करते हुए उसके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे। नाम मैं इस टाइम पर मैं लिखना भूल गया, लेकिन आपको बताते हुए ये चीज जो है दिमाग में एक बात आई कि हां ऐसा कुछ था। अब सवाल देखिए, ये लोग कौन हैं, क्या इससे पहले कोई भी यहां पर वो रिफ्यूजी नहीं होता था? तो आंसर है भाई पहले भी बाहर के बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही अगर आप देखेंगे 2011-12 के बाद, और जब से इसका दूसरा फॉर्मेट उठाकर देखें, जब से आप यहां पर देखोगे कि 11-12 के बाद जब नेक्स्ट लेवल होगा, वो नेक्स्ट लेवल होता है क्या नाम है ISIS के जिहादियों के बाद एकदम से रेडिकल माइंडसेट वाले जितने भी ये लोग थे, ये एकदम से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ने लगे, बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे। अब ये जब ये लोग एकदम से और बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे, अब ये जो बंदा है, ये जो लोग हैं, ये लोग असलियत में टारगेट करते हैं वाइट गर्ल्स को। हालांकि ये ग्रूमिंग का काम जो है ये सबसे पहले पाकिस्तानियों ने शुरू किया था हिंदू सिख लड़कियों के ऊपर, जो हिंदू लड़कियां होती थी, सिख लड़कियां होती थी, ताकि उनको
टारगेट करके उनको अपने झांसे में फंसा के उनको कन्वर्ट करवा के कुछ भी आगे बढ़ा जा सके। लेकिन बाद में जब हिंदू और सिख, भाई हिंदुओं और सिखों में फैमिली इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रांग पोजीशन में होने की वजह से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती थी और फिर इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया जो कि बहुत इजी टारगेट थी, ब्रिटिश गर्ल्स, ब्रिटेन की लड़कियों को। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, ब्रिटेन की लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया जो 12-12, 13-13 साल की होती हैं, अभी बिल्कुल जवानी, जवानी को छोड़ो अभी टीनेजर होती हैं, उनको ग्रूम करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम यहां से क्या आई कि भाई अब आप कहोगे कि सरकार इन इमिग्रेंट्स को रोक क्यों नहीं देती, तो भाई सीधी सी बात यह है, यहां पर सरकार इन इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश करने के लिए ब्रिटेन ने तो इस हद तक कदम उठाया कि इसने कहा कि हम आपके, मतलब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पहले हिस्सा होता था, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को साफ कह दिया कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हम चले। अब ब्रिटेन सोच कर देखिए, प्रॉब्लम यहां पर यही है कि ब्रिटेन जैसे ही यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उम्मीद तो यह थी कि यूरोपियन यूनियन के से अलग होने के बाद इसे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह थी बेनिफिट नहीं मिला। और कहीं ना कहीं पहले जो लोग अंदर घुसकर, मतलब इनके टनल्स वगैरह से आते थे, अब इस तरीके की नावों में भर भर के आ रहे होते। दुनिया के सिनेरियोस की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए मशहूर है एक कॉल है कि भाई पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और मांगते हैं, क्या ये सच है? सुना तो है, कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन बहुत बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। पहले हम देखते थे दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं, अब एक और जगह सामने नजर आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जापान के अंदर एक बंदा पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है तो वो उस वीडियो के देखने के बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी अच्छे असल वाली लैंग्वेज में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया, ऐसी क्यों हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारे हुक्मरान तकबे पे जाता है, जो लोग पैसा कमाते हैं और ये पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस पे, हुक्मरानों पे, तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे वो ये रोज़गार इनको लोगों, गरीब लोगों को भी मिले और मुल्क में ही रहें, वो कारोबार अच्छा बाइज़्ज़त कारोबार कर सकें। तो ये बहुत मुल्क की बदनामी होती है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोस में तो ज़्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोस में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाएं, सऊदी जाएं, जापान जाएं, कहीं भी जाएं जाके मांग रहे हैं। सर वो क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना जैसे पाकिस्तान की है।